इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। देश में एक तरफ जहां चुनावी माहौल बना हुआ है, 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है, वहीं दूसरी ओर देश के सभी हिस्सों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी और लू के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लू और भीषण गर्मी के कारण कई लोगों की मौत की सूचनाएं भी सामने आई हैं। देश में उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों के शहरों में पारा लगातार 45 डिग्री के पार बना हुआ है, जो कि किसी को भी राहत की सांस नहीं लेने दे रहा। शुक्रवार को तो महाराष्ट्र के नागपुर में पारा 56 डिग्री तक पहुँच गया। वहीं राजस्थान का श्रीगंगानगर दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म कानपुर और वाराणसी, तो दिल्ली में भी पारा 46 डिग्री के पार रहा। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार में भी भीषण गर्मी का कहर देखने को मिला। बता दें कि इस बीच दिल्ली एनसीआर के मौसम में जल्द ही बदलाव देखने को मिल सकता। मौसम विभाग की माने तो 2 जून से लेकर 4 जून तक यूपी समेत दिल्ली के इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं। साथ ही इस दौरान हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। बता दें कि इस बाबत येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 20 जून तक दिल्ली एनसीआर में आगामी मानसून के दस्तक की भी संभावना जताई गई है। दिल्ली में 1 जून को गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी देखने को भी मिल सकती है। इस बात की जो प्रिडिक्शन है वो मौसम विभाग के द्वारा की गई। यूपी में भीषण गर्मी और लू के ने लोगों को बेहाल कर दिया। धूप और लू से बचने के लिए भारी संख्या में लोग एसी और कूलर की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि 1 जून को यूपी के मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 1 जून को यूपी में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही लू से लेकर भीषण लू तक की संभावनाएँ जताई गई हैं। 31 मई को यूपी के कानपुर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। 31 मई को कानपुर में 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया था। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि बिहार में पिछले 24 घंटे में लू लगने की वजह से 10 मतदान कर्मियों सहित 14 लोगों की जान जा चुकी है। अगर अन्य राज्यों के मौसम की बात करें तो लक्षद्वीप, केरल, अंडमान और निकोबार, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पश्चिम हिमालय में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में गरज के साथ धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने इस बात की आशंका जताई है कि इस बार औसत से अधिक बारिश देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में बढ़ती गर्मी में कई जगहों पर एसी में खड़े वाहनों में आग लगने की खबर भी सामने आ रही है। अब इस बढ़ती गर्मी के कहर को शांत करने के लिए मानसून की दस्तक का इंतजार सभी को है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।